लिए भागवत प्रांगण में आ जाएं, जो जवाबी कीर्तन के निर्णायक रखे गए हैं कमल सिंह चौहान जो फूफा जी हैं दीपू चौहान के, कृपया मंदिर प्रांगण में आ जाएं अति शीघ्र। बहुत बढ़िया, सुनिए लीजिए मोमोस के साथ तीखी चटनी का मजा लीजिए। और जब से गए मोरे पिया परदेश में, आजा बेटे अच्छा पड़ा गया, प्रयास कर रहा हूं। तब से मैं रहती हूँ पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में, पगली के भेष में, ये फिर बाल बिखरा के, फिर काजल लगा के, फिर बाल बिखरा के, फिर काजल लगा के, अपने भैया को मना लीजिए। समय को देखते हुए चलेंगे हम, बस राधा जी को सैया बना लीजिए, राधा जी को सैया बना लीजिए, अरे राधा जी को सैया बना लीजिए। बस बात फिल्म वालों ने कह दी कि राधा जी को सैया बना लीजिए, तो मैं बात ठाकुर जी की सुनाऊंगा। ठाकुर जी का सुना, ठाकुर जी कौन है? हमारे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण है ठाकुर जी, उन्हें सभी कहते हैं ठाकुर जी। बिल्कुल सही बात है, भगवान को सभी ठाकुर जी कहते हैं। और ठाकुर जी पहुंच गए एक जगह चित्रा नाम की सखी के पास, चित्रा नाम की सखी पे इतना अच्छा गुण था कि वो देखते ही चित्र बना देती, चित्र बना देती थी। तो जो भगवान पहुंच गए कि सखी मेरा भी चित्र बना दीजिए, तो ऐसे ही पहुंच गए कोट पहन के, ऐसे अब मुझे नहीं कहना कि ऐसे खड़े हो गए भगवान, ऐसे खड़े हो गए, उनका नाम टेढ़ा मेढ़ा भी वैसे है, और टेढ़े मेढ़े खड़े हो गए बांसुरी लेकर के। अब चित्रा नाम की सखी को बड़ा घमंड था कि हम चित्र बना देते हैं, देखते ही उसने लाख प्रयास किया लेकिन वो चित्र नहीं बना पाई, विचित्र चित्र, चित्र नहीं बना पाई क्योंकि बड़ा विचित्र चित्र था। और क्या, भगवान ने कहा तू चित्र क्यों नहीं बना पाई? अरे चित्रा तू चित्र क्यों नहीं बनाई, इसका कारण जानती है? बोले ना भगवान, मैंने तो बड़ा प्रयास किया। बोले सुनो तुम इसका कारण जानिए कि तुम चित्र क्यों नहीं बना पाए। सुनो, भगवान कहने लगे अरे सखी, आए सखी, चित्र को चुराता हूँ ऐसा विचित्र मैं, ऐसा विचित्र हूँ कि चित्त को चुराता हूँ। और क्या, चित्त को चुराता हूँ ऐसा विचित्र मैं, चित्त में रहूं ना किसी भी चित्र में, मैं ऐसा विचित्र हूँ कि ना तो चित्त में रहता हूँ, किसी चित्र में नहीं रहता हूँ। सही बात, इसलिए सुनिएगा, सुनिए आप लोग ध्यान से। चित्त को चुराता हूँ ऐसा विचित्र मैं, और चित में रहू ना किसी भी चित्र में, तो चित्र तेरा बन जाएगा, चित्र तेरा बन जाएगा कैसे? पहले चित्र में बसा ले, फिर चित्र में सजा ले, पहले चित्र में बसा ले, फिर चित्र में सजा ले, और चित से चित को मिला लीजिए। फिर ठाकुर जी का चित्र बना दीजिए, आए सखी। अब ठाकुर जी सुनिएगा, ठाकुर जी मैंने अगर कह दिया भगवान को तो क्यों कह दिया? राजा देवमीड़ के दो रानियां थी, राजा देवमीड़ के एक ठाकुर जात की
और एक यादव जाति राजा देवमीर। राजा देवमीर छत्री वंश के थे लेकिन उनकी एक ठाकुर जात की पत्नी थी, एक यादव जात की पत्नी थी। और ठाकुर जात की पत्नी से हुए सूरसेन और सूरसेन से हुए बसदेव और बसदेव के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, इसलिए उनको ठाकुर जी कहा गया। अब चूंकि उनके यादव जात की जो पत्नी थी उससे परजन पैदा हुए, परजन से नंद बाबा पैदा हुए और नंद बाबा के यहाँ ये पले, तो कुछ लोग इनको यादव जी यानी यदुवंशी भी कहते हैं। लेकिन ये लेकिन मामला यही तो भूल है, ठाकुर जी का है। बस यादव जी का चित्र बना लीजिए, और यादव जी का चित्र बना लीजिए, और यादव जी का चित्र बना लीजिए, और ठाकुर जी का चित्र बना लीजिए। जयकारा शेरवाली का बोल, साचे दरबार की जय। आपके समक्ष पुनः हमारी कल्पना जी बहन जी आ रही हैं और उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए के बिहारी जी से। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। बाकी भैया बिल्कुल आप गलत दिशा में चले जाए, या तो किसी ने आपको गलत दिशा पकड़ा दी है या फिर ये आपके सोच की कमी है। जब कल्पना ने ये कहा था कि ना तो ये बालक है ना ये बूढ़े हैं, तो मैंने कहा था ये बीच के हैं, यानी कि आप आज भी यंग हैं, जवान हैं। ये था मेरा कहने का आशय, लेकिन आप गलत दिशा में चले गए और आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप एक अच्छे कीर्तनकार हैं और आप इतनी गलत दिशा में चले गए, नहीं सोचना चाहिए था। और कहां गए वो नैन के चुटिया, ना उनके कान, ना गरम, ना गरम और ना सर्द है, ना गरम ना सर्द है, और समझा था इनको हमदर्द मगर बेदर्द है, और इनके घर से पता चला है मुझको, इनके घर से पता चला है मुझको, ना ये औरत है और ना ये मर्द है। रहने दे, कुछ ना कहो। हाँ यू टूथ हमारे दीपू सिंह भैया जी के फपुआ ससुर जी हैं, आदरणीय श्री पप्पू सिंह जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं आपने मेरे लिए भेंट की है, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए ऐसी कोई बातचीत नहीं होगी, मैंने इसीलिए कहा था कि नाम आपका बाके बिहारी है, बस उसको देखे रहिए, क्या बाकी जो आपने किया था वो हमारे संजय भैया सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। मैंने क्यों टोका था, बाकी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आप कह रहे पता नहीं कैसा गा रही हैं आप, ऐसे गाने गा रही हैं, ये है वो है, हम बहुत सरल गाने गा रहे हैं, वाकई मानिए, बस ये मान लीजिएगा कि अगर आपको कठिन लग रहे हैं तो लग रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत सरल गाने गा रही हूँ, यही हो गई है कि मुझे पसंद है ऐसे गाने जो मैं गा रही हूँ। बाकी आपने कहा इनसे कुछ नहीं कहेंगे हम, इनसे कुछ नहीं कहेंगे, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसे लोगों से हो गई बारा बाट जिंदगी, ऐसे लोगों से मिलते ही क्यों हो, और क्या ये आदत छोड़ दो, ना तो ऐसे लोगों से मिलो ना ऐसे लोगों को साथ में लाओ,
YouTube हाँ इनको यही जानते हैं। हाँ YouTube दांतों वाला चैनल चले बस सब छोड़िए संजय भैया और आप सब लोग समझ रहे हैं हम जो आप लोग सुन रहे हैं और इस YouTube के माध्यम से पूरे विश्व में यह कार्यक्रम सुना जाएगा। नहीं चाहते कि कुछ ऐसा सुने के लोग कहें कि क्या करते हैं ये लोग जवाबी में, कह रहे ऐसे लोगों से जवाबी खराब हो रही है। ठीक है हम लोगों से अगर खराब हो रही प्रयास करेंगे कि आप लोगों से अच्छी बनी रहे। कट्टी साहब का आया है आपने जो भी जवाब दिया लगा चुनरी में दाग जो भी किया बढ़िया है। आप एक बात करते आप तराने में क्या लाई हैं? तराना में आपने अपना क्या गाया? तराने के जो बोल होते वो बोल वही रहते हैं। तराना गलत नहीं पढ़ा जाता, अगर तीन ताल सोलह मात्रा है तो उसमें तीन ताल सोलह मात्रा ही पढ़ा जाएगा और क्या उसमें चार ताल नहीं लगा दी जाएंगी। ना दीप चंदी होगी ना रूपक होगा ना झपताल होगा कुछ नहीं, सोलह मात्रा तीन ताल है तो है। चले ठीक छोड़े। अरे वो कहा जाने यार नागड़ धन्ना करते हैं नीचे बैठ के, शुद्ध सोलह मात्रा नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए अब एक चटनी आई है वो देख ले थोड़ा। आपका कटपीस कह रहा है कि जब से गए हमारे पिया परदेश में रहती हूँ पगल के वेश में पगल के वेश पगल के वेश। भैया मंकुश भैया जी और डीके पांडे जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा तो ऐसे बाल बिखरा के ऐसे काजल लगा के अपने भैया को बता दीजिए को सहिया बना ली। बस इतने ही गाने गा पाएंगे आप। चलिए आपका कटपीस कह रहा है कि फिर ठाकुर जी का चित्र बना लीजिए, चित्त में बसा लीजिए, फिर ठाकुर जी का चित्र बना लीजिए। जरा जवाब सुनेगा निवेदन है, प्रयास कर रही हूँ अच्छा लगेगा आपको भी। सुनेगा लोग कहते हैं कि भगवान को कोई भी बुला सकता चित्त में बसा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बड़े व्याद बड़े वेद पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन कह रहे हमारी एक समस्या है। क्या बोले महाराज पूजा पाठ काहे नहीं कर रहे आजकल? लिख तो रहे हैं पूजा पाठ नहीं कर रहे। बोले पूजा पाठ करना चाहते लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। मन काहे नहीं लग रहा? बोले वो चाहते तो हम हैं कि भगवान आके मेरे चित्त में बस जाए लेकिन चित्त में बस ही नहीं रहे हैं। बिहारी जी सुनिएगा, सुनिए तो बस ही नहीं रहे हैं। कहने लगे वो महात्मा सुनिएगा, सुनिए कि जिनके लिए नित्य मेरा मन तरसे ¡Gracias!
जिनके लिए नित मेरा मन तरसे, मिलते नहीं वो कोई मंत्र से, कोई मंत्र से, कोई मंत्र से, कोई मंत्र से। बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन कोई मंत्र से नहीं मिल रहे हैं, तो बोले मिलेगा कैसे? बोले सुनो सुनो कि पहले चित्त में बसा ले, पहले चित्त में बसा ले और चित्त को सजा ले। और ये आएंगे कैसे? बोले चित्त तो तुम्हारा खाली नहीं है, इसमें भरा क्या है? बोले सुनिए सुनिए, चित्त को चिंता से हटा लीजिए। हर व्यक्ति के मन में पहले चिंता ही बैठी रहती है, और जब तक चिंता बैठी रहेगी तब तक कहां तक बाके बिहारी आएंगे? सुनेगा, बाके बिहारी को चाहिए फ्रेश मूड वाला व्यक्ति। चित को चिंता से हटा लीजिए, फिर ठाकुर जी को चित में बिठा लीजिए। फिर ठाकुर जी को चित में बिठा लीजिए, फिर ठाकुर जी को चित में बिठा लीजिए, फिर ठाकुर जी को, फिर यादव जी को, फिर ठाकुर जी को चित में बिठा लीजिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये है पढ़ाई लिखाई के मजे।